दिस इज सागरिका, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडोनो गाइडिंग कैरियर सिंस 2007। सो आज हम डिस्कस करेंगे बांग्लादेश MBBS 2022 के लिए। सो आपको पता है कि अभी एडमिशन्स चल रहे हैं बांग्लादेश और अदर कंट्रीज में हो। सो बहुत सारे स्टूडेंट इंटरेस्टेड है बांग्लादेश के लिए स्पेशली। सो हमारे पास बहुत सारे DMs, मैसेजेस, मेल्स हम रिसीव करते हैं। सो बेसिक जो क्वेश्चंस रहते हैं बांग्लादेश के लिए, तो हम इस वीडियो में ट्राई करेंगे सारे बेसिक क्वेश्चंस जो है उसको कवर करने के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स का जो रहता है क्वेरीज एलिजिबिलिटी को लेके, फीस को लेके, कैसे एडमिशन प्रोसेस होगा, कहाँ कहाँ पे होगा, क्या क्या कॉलेजेस है, FMG पासिंग रेशियो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है दिमाग में। सो आज हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर है बांग्लादेश में, कैसे अप्लाई करना है। तो एवरीथिंग, ईच एंड एवरी, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सारे क्वेश्चन का आंसर आज हम देंगे। हमारे साथ मिस्टर लंबोदर सर हैं जो कि आज ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे ईच क्वेश्चन का आंसर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरीज रहता है बांग्लादेश के लिए कैसे एडमिशन करेंगे। सो आज मैं क्वेश्चन आपको कुछ पूछूंगी तो आप जवाब देना। सो सर, फर्स्ट क्वेश्चन रहता है कि बांग्लादेश में अप्लाई कैसे करेंगे MBBS के लिए। बांग्लादेश में आज यू नो ऑलमोस्ट 62 मेडिकल कॉलेज है बांग्लादेश में। अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसका काफ़ी ज़्यादा 10-12 मिनिमम 60% होना चाहिए। देन आपका जो 10-12 डॉक्यूमेंट, नीट स्कोर कार्ड एंड ऑफकोर्स पासपोर्ट, दीज आर द बेसिक डॉक्यूमेंट। करने के बाद जो कॉलेज आप चूज करेंगे, हर कॉलेज का अलग अलग फी स्ट्रक्चर से, फर्स्ट ईयर में लगभग 30-40% पे करना पड़ता है। तो इसीलिए अप्लाई करने के लिए ये एडोनम का हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, हम आपका डॉक्यूमेंट लेके कॉलेज को भेजेंगे। जो भी कॉलेज आप शॉर्टलिस्ट करेंगे उसके बेसिस में फिर हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद अगर आपका सिलेक्शन वहाँ पर हो जाता है, यू विल गेट योर एडमिशन लेटर एंड फीस पर पे करना ऑन द मेडिकल कॉलेज जो भी बांग्लादेश में अपने चूज करेंगे। थैंक यू सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि एलिजिबिलिटी को लेके, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बांग्लादेश में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर मैं तो बोलूंगा इट्स ए बिग स्कैम। यस, एलिजिबिलिटी को लेकर हर कोई बोलता है बांग्लादेश में इसका 50% है, बट 10-12 में अगर 2020 में भी 12 पास किया है, 19 में भी किया है, उनका भी हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं स्ट्रिक्टली, अगर आपका 10th 2019 में या 20 में पास आउट है देन यू आर एलिजिबल। 3 साल है वैलिडिटी, अभी रिसेंटली 3 साल कर दिया, 2018 में भी 10th है, 2021 में भी है, क्योंकि 3 साल है फिर भी आप एलिजिबल हो 12th 2021 में और 22 में, देन आपका हो सकता है 10-12 मिनिमम PCB में, मिनिमम 60% 12th में, 10th इज ऑल्सो 60%, देन यू आर ऑफिशियली एलिजिबल टू ज्वाइन एनी बांग्लादेश कॉलेज। थैंक यू सर। सो आपने जैसे बताया कि मतलब 21 का अगर होगा या 22 के 12th होगा तो ही वो एलिजिबल है, तो 2 साल गैप अगर होगा तो क्यों वो एलिजिबल नहीं है, उसका रीजन क्या है सर? सी द पॉइंट इज दैट लास्ट, क्योंकि पहले क्या था बांग्लादेश में जो भी एडमिशन लेते थे टिल 2020 तक सिर्फ 10-12 में कोई गैप नहीं, सिर्फ 1 साल का गैप होना चाहिए 12th का, 10th 12th में भी सिर्फ 2 साल। अभी 2021 में जो फरवरी में रूल्स आया था 3 साल कर दिया, यानी कि 10th के बाद अगर आपका 3 साल का गैप है 12th में देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर MBBS बांग्लादेश। तो यही एक मेजर रीजन है कि बांग्लादेश क्वालिटी में कभी कंप्रोमाइज नहीं करता है। दिस द ओनली रीजन बांग्लादेश का जो FMG का रिजल्ट है नंबर वन है पिछले 10 साल से, तो दिस इज द आई। थैंक यू सर। सो नेक्स्ट आते हैं हमारा फीस को लेके, तो क्या बेसिकली फीस स्ट्रक्चर रहता है बांग्लादेश में? तो अगेन एज़ आई टोल्ड यू, बांग्लादेश में 62 मेडिकल कॉलेज आते हैं। आउट ऑफ दैट अगर हमें बात करें फी स्ट्रक्चर को लेकर, ऑलमोस्ट कॉलेज टू कॉलेज फी स्ट्रक्चर वैरी करता है। बांग्लादेश डॉलर में पेमेंट आपको पे करना पड़ेगा फर्स्ट, हमें टोटल पैकेज अगर बात करें 26 लाख, 25-26 लाख से शुरू हो जाता है, 35-40 लाख तक भी जाता है, कॉलेज टू कॉलेज वैरी करता है। ड्यूरेशन 5 साल का है, आपको फर्स्ट ईयर में सम कॉलेज में आपको $12,000, $15,000, $20,000 आपको जमा करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में। इनिशियली जो बुकिंग अमाउंट है सम कॉलेज अब चार्जिंग $2,000, $3,000, $5,000, $10,000 बुकिंग अमाउंट,
आपको लेना पड़ेगा। ये फी स्ट्रक्चर हो गया रफली 25 टू 35 लाख अप्रोक्स। ओके सर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर, एफएमजी पासिंग रेशियो, बहुत से स्टूडेंट का क्वेरी रहता है कि क्या एफएमजी पासिंग रेशियो है। तो उसके तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, बांग्लादेश तो मार्केट लीडर है। आप ऑलमोस्ट 20 प्लस कंट्रीज में फॉरेन में एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं, काफ़ी स्टूडेंट मेरे पास कॉल आता है, सर मेरा इतना बजट नहीं है, मैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और भी कंट्री में जाऊंगा, क्योंकि उनका फीस तो कम है 12 लाख 15 लाख, बट ये सच्चाई है। फिर भी बच्चा जा रहे हैं, 7% 8% 9% रिजल्ट है। बांग्लादेश मार्केट लीडर है, 100% 80% 70% 60% कुछ कॉल 50% भी है। तो एफएमजी रिजल्ट में बांग्लादेश का, क्योंकि सिलेबस सेम है, दैट इज नो लैंग्वेज प्रॉब्लम, रियल डेडुअल के ऊपर प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, इतना पेशेंट फ्लो है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर एक्सेलेंट है, तो हर पॉइंट में बांग्लादेश बेस्ट है। तो इस दो दिस द ओनली रीजन बांग्लादेश का एफएमजी जो रिजल्ट है नंबर वन है लास्ट 10-15 साल से। ओके सर, सो बहुत सारे स्टूडेंट कैसे रहते हैं, क्या बांग्लादेश एक बेस्ट ऑप्शन है, अगर है तो क्यों है सर? नो डाउट बांग्लादेश, देखो स्टूडेंट फॉरेन कंट्री किस लिए जाता है, डॉक्टर बनने के, सबका ड्रीम है डॉक्टर बनना। अगर बच्चा कोई एक साल जब कॉलेज में बट कंट्री में पढ़ाई करके आता है, यहाँ पे एफएमजी क्लियर नहीं कर पाता है, कोई मतलब ही नहीं है। कोई यहाँ पे खाना अच्छा मिला, वहाँ पे अच्छा, क्या मतलब है? जब तक डॉक्टर नहीं बन पा रहे आप, दैट इज नो पॉइंट। बट हियर इन बांग्लादेश मैक्सिमम सक्सेस रेट एवरेज मोर देन 70% ज़्यादा सक्सेस रेट है फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो बांग्लादेश के लिए ऑफकोर्स, जैसे कि व्हाई टू चूज बांग्लादेश का कारण भी ये है, इंडिया का बांग्लादेश से गवर्नमेंट रिलेशन अच्छा है, बेस्ट एफएमजी रिजल्ट है, 100% सेम सिलेबस है, ट्यूशन फी फर्स्ट ईयर में थोड़ा ज़्यादा पे करना है, उसको इंस्टॉलमेंट में पे करना है, एवरी अमाउंट इन कॉलेज अकाउंट ओनली, इंडियन फूड इजीली अवेलेबल, टेम्परेचर कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बांग्लादेश में कभी फील ही नहीं होगा, आप इंडिया में पढ़ाई कर रहे हो कि बांग्लादेश में, सब कुछ सेम है, दैट इज नो डिफरेंस एट ऑल। दिस इज द ओनली रीजन बांग्लादेश वुड बी ऑलवेज योर बेस्ट चॉइस फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ओनली नीट इज द ओनली एग्जामिनेशन या अदर कोई एग्जाम के थ्रू भी वो जा सकते हैं? क्योंकि नीट एग्जाम जो है जो 20 प्लस कंट्री में इंडिया से स्टूडेंट जाते हैं, क्योंकि नीट इंडिया के लिए, क्योंकि आईडेंटिटी दे जो 5 साल 6 साल कंप्लीट करने के बाद इंडिया उनको वापस आना पड़ेगा नेक्स्ट एग्जाम देने के लिए। अगर आपको इंडिया प्रैक्टिस करना है, नेक्स्ट एग्जाम देना है, नीट एग्जाम इज द कंपल्सरी। मेरे पास अभी कुछ न्यूज आया था, मेल भी आया था, कॉल्स भी आया था, सर मैं नीट क्वालिफाई नहीं हूँ, कुछ कंसल्टेंट बोल रहे एडमिशन कर देंगे, यस वो कर देंगे, आपको फंसा देंगे। एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू रूल इज कंसर्न, नीट एग्जाम इज कंपल्सरी, विदाउट नीट एग्जाम आप बांग्लादेश में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, कोई अदर ऑल्टरनेटिव मेथड है ही नहीं, आपको नीट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। ओके सर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंडियन स्टूडेंट्स बांग्लादेश में जब एडमिशन लेंगे, कॉलेजेस के स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है? ऑफ कोर्स, बांग्लादेश का जो एडमिशन होता है 2-3 लेवल पर होता है, एक होता है सार के कोटा, इंडिया नेपाल बांग्लादेश जो अफगानिस्तान जो पाकिस्तान जो स्टूडेंट्स हैं उनको मिलता है, इंडिया के लिए 24 सीट जो है इंडियन नेशनल के लिए सार कोटा में एडमिशन ले सकते हैं, फीस ना के बराबर है, वहाँ का गवर्नमेंट कॉलेज ही मिलेगा, बट का प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए, मतलब 85-90 ट्वेल्थ में होना चाहिए, 10th भी ऑल्सो सेम एज यूजल, नीट का स्कोर काफ़ी अच्छा होगा, देन आपको जो है स्कॉलरशिप मिलेगा। बात करें प्राइवेट कॉलेज का, प्राइवेट कॉलेज में स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, कुछ एक्सेप्शनल कुछ कॉलेज में बेनिफिट मिलता है। तो दिस द ओनली रीजन, अगर आपको स्कॉलरशिप का बात है, क्वालिटी एजुकेशन भी चाहिए, तो बांग्लादेश क्वालिटी एजुकेशन में नंबर वन। ओके सर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फीस पेमेंट का, तो फीस के लिए लोन भी चाहिए होता है कुछ पेरेंट्स को, तो लोन क्या मिलती है बांग्लादेश के नाम? देखो बांग्लादेश नॉट ओनली बांग्लादेश, कोई भी फॉरेन कंट्री में जाएंगे लोन को लेकर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, बट यस अगर आपका प्रोफाइल स्ट्रांग है, 3 पॉइंट में आपको एजुकेशन लोन मिलता है, 1 इज आपका गवर्नमेंट जॉब में हो, सैलरी अच्छा हो, आपका रिटायरमेंट टाइम अभी 8-10 साल पेंडिंग है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल गेट अ लोन। सेकेंडली कोई ना कोई आपको एक मॉर्गेज देना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज वगैरह जो भी है उनके बेसिस में, जमीन है घर रजिस्ट्री प्रॉपर्टी उसके बेसिस में लोन ले सकते हो। थर्ड जो आपका लाइक यू नो ऑन द थर्ड पॉइंट इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपका काफ़ी अच्छा है उसके बेसिस में मिलेगा। अगर ये 3 पॉइंट में कोई भी पॉइंट में स्ट्रॉन्ग होगा, मैं ये समझता हूँ एजुकेशन लोन मिल जाएगा।
फिर भी एजुकेशन लोन को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, सर लोन को लेकर प्रॉब्लम है, कॉल दिस हेल्पलाइन नंबर, वी विल गाइड यू एंड टेल यू हाउ टू गेट एजुकेशन लोन फॉर बांग्लादेश एमबीबीएस एडमिशन 2022। ओके सर, थैंक यू सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर, जैसे स्टूडेंट लोग वेट करते हैं कि हाँ हम लेंगे, डिसाइड कर रहे हैं, तो कितना सीट्स रहते हैं बांग्लादेश के लिए एंड कब क्लोज होते हैं, या वो वेट करेंगे तो उसके बाद क्या मिल जाएगा? सारे स्टूडेंट्स को पता है जो टॉप कॉलेजेस है बांग्लादेश, इतना डिमांड है, वो सीट कभी नहीं रहेगा, वो पहले ही फिलअप हो जाता है। बट स्टिल अगर बांग्लादेश लेना चाहते हैं लेट में, 6 माह में, बाद में डिसीजन लेना चाहते हैं, फिर भी अगेन हो जाएगा, बट उनका ड्रीम कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको कॉलेज वाला कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें यू नीड टू मेक योर माइंड, येस आई हैव टेकन द राइट डिसीजंस, और मैं शुरुआत में अपना एडमिशन ले लेते हो, यू हैव टेकन द राइट डिसीजंस, अगर आप लास्ट तक वेट करते हो फिर भी कहीं ना कहीं कॉलेज तो मिल जाएगा। जो चीज़ आपको कम पैकेज में मिल रहा था वो पैकेज महंगा हो जाएगा, ये आपके लिए। ओके सर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर, जैसे बहुत सारे रहते हैं कि अब्रॉड से करने के बाद इंडिया में वो वैलिड रहते हैं, तो व्हाट अबाउट बांग्लादेश, बांग्लादेश में एमबीबीएस करने के बाद क्या वो डिग्री वैलिड रहेगा? देखो बांग्लादेश का डिग्री, क्योंकि इंडिया में कौन सा डिग्री वैलिड रहेगा कौन सा नहीं रहेगा सब कुछ तय करेगा एनएमसी। तो एनएमसी में क्लियरली मेंशन है बांग्लादेश का जो है लाइसेंस भी मिलेगा, सेम हॉस्पिटल में आप प्रैक्टिस भी करोगे, नथिंग टू वरी एट ऑल। लाइसेंस को लेकर आपका जो डाउट था रिसेंटली वो कुछ भी नहीं है, आपको बांग्लादेश में गारंटी लाइसेंस मिलेगा, टेम्पामिन जो प्रैक्टिस करने का मौका ही मिलेगा, तो इसलिए कोई इशू नहीं है, इट्स मैटर ऑफ फ्यू डेज, ऑलरेडी तो सब कुछ है। अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए बांग्लादेश को लेकर वो भी आ जाएगा, यू गोइंग टू से एनीथिंग, यस बांग्लादेश के नाम से लाइसेंस जो है मिल चुका है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। ओके सर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यही कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा ड्रीम होता है कि बाहर अदर कंट्रीज में सेटल होने के लिए, तो बांग्लादेश में एमबीबीएस खत्म करने के बाद क्या वो यूएस, यूके, अदर कंट्रीज में कर सकते हैं, वैलिड है? क्यों होगा आराम से, जो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में अंडर आप लोगे बांग्लादेश में, यूएसएम यूके प्लान अप्रूव होना चाहिए, वंस दे अप्रूव, लाइक नो अप्रूव्ड है ऑन द बेसिस ऑफ दैट, फिर आपको एक ग्लोबल, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम ग्लोबलाइज्ड डॉक्टर, तो यूएस के लिए अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कनाडा में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपका जो है डेफिनेटली आपको स्कोप मिल जाएगा। एज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश इज कंसर्न, जो जो यूनिवर्सिटीज का अंदर लाइक नो अप्रूवल है बांग्लादेश के नाम से, लाइक नो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, दे कैन गेट टाइमली, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ओके सर, सो खाने को लेके भी बहुत कंसर्न रहते हैं, तो क्या वेजिटेरियन या ऑल टाइप ऑफ इंडियन खाना वहाँ पे मिलता है? आज आई टोल्ड यू बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल, कोलकाता, सब आसाम, गुवाहाटी, सब कनेक्टेड है, इंडियन फूड इजीली अवेलेबल, चावल दाल रोटी सब कुछ मिलता है, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं बांग्लादेश में। एंड कुछ लोग बोलते हो तो ग्रेट रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, बांग्लादेश में बोलते हैं मुस्लिम कंट्री है, सेफ नहीं है, खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, ऐसे कुछ भी नहीं है, मैंने पर्सनली देखा हूँ, हाईली कोऑपरेटिव लोग हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, एवरीथिंग विल बी ऑन राइट ट्रैक, यू हैव टेकन द राइट डिसीजन फॉर बांग्लादेश, FMG रिजल्ट अच्छा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको। ओके सर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर, व्हाट इज द रिलेशनशिप इन इंडिया गवर्नमेंट एंड बांग्लादेश गवर्नमेंट? नो डाउट अभी रिसेंटली मिस शेख हसीना जी, जो उनका प्राइम मिनिस्टर खुद इंडिया आए थे, मोदी से मिलके गए, आगे का मतलब नेक्स्ट 25 ईयर्स तक कैसे रिलेशन बना जाए, क्या डिपार्टमेंट, एवरीथिंग, मतलब जो अभी आए थे सब कुछ एग्रीमेंट साइन किए गए, तो इसका मतलब जो है रिलेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश गवर्नमेंट का रिलेशन काफ़ी तगड़ा है, नथिंग टू वरी। बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स लोग फॉरेन पढ़ने जाते हैं दे आर ऑल्सो हाईली सेफ, तो नथिंग टू वरी एट ऑल रिलेटेड टू बांग्लादेश एमबीबीएस एडमिशन 2022। थैंक यू सर। सो सर बहुत सारे अभी मेनली क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिस को लेके कि बांग्लादेश में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं बोल देते हैं कि नहीं वहाँ पे लाइसेंस नहीं मिलते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, ये ऐसे कुछ कन्फ्यूज़न है, तो वो कन्फ्यूज़न थोड़ा बताइए। देखो प्रैक्टिस का अगर बात करें बांग्लादेश में लेकर, उनका BMDC का वेबसाइट में आप जाइए, ऑलरेडी मेंशन है मेन्यू बार में टेम्पररी लाइसेंस फॉर इंडियन नेशनल, जो फॉरेन नेशनल के लिए, तो दैट मीन्स बांग्लादेश में आप MBBS करोगे तो आपको लाइसेंस मिलेगा ही मिलेगा, नथिंग टू वरी एट ऑल। तो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, बांग्लादेश में जो कॉलेज वाइज, एनवायरमेंट वाइज 100% सेम सिलेबस हर पॉइंट में बांग्लादेश बेस्ट है,
इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई स्टूडेंट्स का एग्रीगेट 50% है तो 60 नहीं है, 50% में क्या हो जाएगा एडमिशन? नहीं, बांग्लादेश का मिनिमम 60% मांग रहे हैं और 10-12 में 60 है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बताया अगर वो एलिजिबल है डेफिनेटली आपका एडमिशन हो जाएगा। ओके सर, सो थैंक यू फॉर द क्वेश्चन आंसर राउंड सर। सो हम आज जितना बेसिक क्वेश्चंस था सब कुछ क्लियर कर चुके हैं, एलिजिबिलिटी, एफएमजी, कैसे फीस पे करना है, सब कुछ हम इस वीडियो में क्लियर किए हैं। होप सो के सारे स्टूडेंट पेरेंट्स का ये जो डाउट्स था क्लियर हो गया होगा एंड आराम से बांग्लादेश में एडमिशन ले सकते हैं। एंड अदर और भी कोई क्वेरीज है, डाउट्स है, आप जानना चाहते हैं तो ये हेल्पलाइन नंबर हमारा जो है इसमें आप कॉल कीजिए, हमारा जो एक्सपर्ट काउंसिलर है आपको गाइड करेंगे। एक चीज आर्डर करना चाहूंगा कि बांग्लादेश में आजकल हर कोई काउंसिलर कंफ्यूज करते हैं कॉलेज को लेकर, तो इसीलिए आप जेन्युइन कॉलेज चाहते हो विद जेन्युइन फी स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्मूथ एडमिशन प्रोसेस, डोंट वरी एट ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इमीडिएटली कॉल कीजिए हेल्पलाइन नंबर पे, हम आपको जेन्युइनली गाइड करेंगे अबाउट टॉप मेडिकल कॉलेज, फी स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू अप्लाई, व्हाट आर द व्हेन गेट एडमिशन लेटर, वीजा इनविटेशन लेटर, वीजा, एवरीथिंग Edunam is going to guide you and tell you whole process about MBBS Bangladesh 2022. Thank you very much.